What's up everyone, welcome back to the channel. तो अब हम शुरू करने वाले हैं हमारा बिल्कुल फर्स्ट चैप्टर, दैट इज प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. तो प्लानिंग इन स्पोर्ट्स एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है. इसके अंदर एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि है हाउ टू ड्रॉ फिक्स्चर्स. तो फिक्स्चर्स वाला पार्ट इसके अंदर एड ऑन हो गया है और बहुत ध्यान से आपको चीजें बना के चलनी है. फर्स्ट चैप्टर है, कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है और कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है जो आपको सीखना है. चार चैप्टर्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं तो उम्मीद है आपने देख लिए होंगे. दिस इज द फिफ्थ चैप्टर जो हमारा टर्म वन में आ रहा है. इनका मैंने प्लेलिस्ट भी प्रॉपर बना दिया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हो. फिर आप ऑल सेट रहोगे अपने टर्म वन एग्जामिनेशन के लिए. तो चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन. गाइस शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 के साथ जो कि है प्लानिंग इन स्पोर्ट्स. दो चीजों से बना है ये, प्लानिंग और स्पोर्ट्स. देखो स्पोर्ट्स की पूरी बुक, आपका पूरा फिजिकल एजुकेशन आपने 11th में ही पढ़ा, इट इज ऑल अबाउट स्पोर्ट्स. उसके साथ साथ हेल्थ, न्यूट्रिशन, डाइट पे ही बहुत चीजें आती हैं. बट यहां पे जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है इस चैप्टर में वो है प्लानिंग, कि आप किस तरीके से स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स को प्लान करते हो, किस तरीके से आप फाइनेंसेस प्लान करते हो, किस तरीके से आप ऑफिशियल्स की प्लानिंग करते हो. तो बहुत सारी चीजें हैं जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो एंड इट इज ऑल अबाउट प्लानिंग. तो सबसे पहले जानते हैं प्लानिंग का क्या मतलब है. तो यहां पे प्लानिंग इज इंटरप्रेटेड एज अ प्रोसेस. ध्यान रखेंगे प्लानिंग एक प्रोसेस होता है, एज अ प्रोसेस टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी, ताकि हम कोई स्ट्रैटेजी बना पाए. स्ट्रैटेजी समझ रहे हो, स्ट्रैटेजी मतलब किसी भी काम को करने का तरीका, कि हाउ टू डू, व्हाट टू डू, वो सब प्लानिंग में आता है. टू डेवलप अ स्ट्रैटेजी टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स. पहली चीज प्लानिंग क्यों करते हो, टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव्स, जो भी गोल्स हैं, जो भी मकसद है. टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, या फिर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. एंड टू फैसिलिटेट एक्शंस, ताकि आप चीजों पे एक्ट कर पाओ. एक्ट अगर बिना प्लानिंग के करोगे तो मिस्टेक हो सकती है, विद प्लान करोगे तो गड़बड़ नहीं होगी. तो प्लानिंग क्यों करी जाती है, एक प्रोसेस है. टू डेवलप स्ट्रैटेजी, टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड टू फैसिलिटेट एक्शंस. उसके बाद फिजिकल एजुकेशन में प्लानिंग में और भी चीजें आती हैं. प्लानिंग इंक्लूड्स क्या क्या, ऑर्गेनाइजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स, बहुत सारे टूर्नामेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज करे जाएंगे, प्लस स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैसे होगी, शॉर्ट टर्म होगी, लॉन्ग टर्म होगी, किस तरीके से किसका मैच कब कराना है, कैसे कराना है, ये तो ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग. इस तरीके से आप लोग को ये डेफिनेशन लिख के आनी है. अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है हमारे पास, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग. तो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग की अगर हम बात करें तो स्क्रीनशॉट साथ साथ लेके चलना, नोट्स आपके पास होंगे ऑलरेडी. सबसे पहला आता है टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ इमीडिएसी. किसका प्रेशर कम करना, इमीडिएसी. इमीडिएसी का मतलब समझ रहे हो, अर्जेंसी. अगर आपने चीजें प्लान करी हुई है ना तो आपके पास सब कुछ वेल डिफाइंड होगा, आपके पास ऑलरेडी एक रिटन स्टेटमेंट होगा जिसमें सब कुछ लिखा होगा, कहां पे क्या करना है, कब करना है, क्यों करना है. तो किसी चीज की भी ना अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं होगी, अर्जेंसी नहीं होगी, इमीडिएसी नहीं होगी. तो अगर प्लानिंग है तो इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑफ इमीडिएसी. नेक्स्ट क्या आता है, टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर एक्टिविटीज. देखो कंट्रोल और प्लानिंग ये दोनों एक साथ चलते हैं. कंट्रोल समझ रहे हो, अगर आपने एक अच्छी प्लानिंग करी है तो आप चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आपके रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, आपकी एक्टिविटीज ऑन टाइम होंगी, जितने भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वो समय से शुरू होंगे, समय पे खत्म हो जाएंगे, उसके अंदर आप लोग को बहुत ज्यादा हरी रश ये सब नहीं देखने को मिलेगा. तो आप सभी एक्टिविटीज को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे इफ यू आर हैविंग अ वेल डिफाइंड प्लान. तो प्लान अगर करके चलोगे तो अर्जेंसी से बचोगे, अच्छा कंट्रोल मेंटेन कर पाओगे. टू फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे अलग अलग लोगों को, अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, अलग अलग कमिटीज को जो बनी हुई हैं स्पोर्ट्स के लिए. आपको पता होगा कि एक मैच के लिए कितने अंपायर्स की नीड है, कितनी टीम्स की नीड है, उन टीम्स को कहाँ पे आपको अकोमोडेट करना है, कहाँ पे उनको रहना है, कहाँ पे उनके लिए कितना आप लोगों को मील्स की प्रिपरेशन करनी है. तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा अच्छा अगर आपके पास बढ़िया प्लानिंग है. उसके बाद टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज, ये लगभग एक ही बात है, सभी एक्टिविटीज पे अच्छा कंट्रोल मेंटेन कर पाना. आई थिंक मैंने पॉइंट दोबारा लिख दिया, ये भी और ये भी. टू मेंटेन गुड कंट्रोल ओवर ऑल द एक्टिविटीज, सेम पॉइंट है ये. इसके बाद क्या आता है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी. टू इंक्रीज एफिशिएंसी क्या है, देखो अगर आप एक एज अ प्लेयर सोच रहा हूं मैं, या फिर मैं एज अ
टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर सोच रहा हूँ या फिर मैं एज अ फिजिकल एडुकेशन कोच सोच रहा हूँ या एज अ टीचर सोच रहा हूँ, तो अगर मेरे पास सब कुछ एक वेल डिफाइंड वे में है, मेरे पास सब कुछ प्लान्ड वे में है, तो मेरा काम बहुत एफिशिएंसी के साथ होगा। एफिशिएंसी का मतलब क्वालिटी वर्क विद मिनिमम कॉस्ट और अच्छे टाइम के साथ हो जाएगा, वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। तो अगर मेरे पास एक अच्छा प्लान है तो मैं एफिशिएंसी मेंटेन कर सकता हूँ अपने काम में, ऑन टाइम कर पाऊंगा और विद मिनिमम वेस्टेज एज वेल एज कॉस्ट कर पाऊंगा। एंड टू एनहेंस परफॉर्मेंस, प्लानिंग मुझे हेल्प करता है टू एनहेंस माई परफॉर्मेंस। अगर सारी चीजें प्लान्ड है तो हम लोग स्टार्टिंग से ही हर चैलेंज को लेने के लिए रेडी होंगे, चाहे कुछ भी आ जाए इन बिटवीन, वी विल बी रेडी टू एक्सेप्ट दैट चैलेंज और हम लोग बहुत अच्छे से उस चीज को, अपने गोल्स को अचीव भी कर पाएंगे। तो प्लानिंग एक्चुअल में हेल्प टू एनहेंस ओवरऑल परफॉर्मेंस। ये सारे आ जाते हैं हमारे पास द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्लानिंग। इसके आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो साथ साथ लेके चलना। इसके बाद हम लोग को क्या देखना होता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास स्पोर्ट्स कमिटीज का। ये टॉपिक हमारे पास काफी बड़ा है, काफी सारी कमिटीज इसके अंदर होती हैं और आपको बहुत ध्यान से इन चीजों को समझना है। तो देखो, अगर कमिटीज की बात करें तो स्पोर्ट्स को अच्छे से, जितने भी टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत सारे तरीके के टूर्नामेंट्स होते हैं, लीग टूर्नामेंट्स होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट्स होते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम टूर्नामेंट्स के बारे में बात करेंगे, तो उन टूर्नामेंट्स को ना अच्छे से चलाने के लिए कमिटीज बनाई जाती हैं। तो वो कमिटीज कौन कौन सी होती हैं, कैसे चलती हैं, वो सीखना है। देखो, सबसे ऊपर कौन होता है, ध्यान दो, सबसे ऊपर हमारे पास होती है एक जनरल कमिटी जो एक टॉप लेवल से ऑपरेट करेगी। सबसे ऊपर उनका हेड कौन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। ध्यान रखेंगे, जो हमारी जनरल कमिटी है उसका हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर। इस एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर के अंडर काम करती है एग्जीक्यूटिव कमिटी, यानी सबसे पहले जनरल कमिटी, जनरल कमिटी के नीचे काम करती है एग्जीक्यूटिव कमिटी, और एग्जीक्यूटिव कमिटी के नीचे फिर अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई जाती हैं। पर्पस के तौर पे ध्यान रखना, जितने पर्पस वैसी कमिटीज। क्या क्या पर्पसेस हैं हमारे पास, देखो सबसे पहले नाम में ही है, पब्लिसिटी कमिटी। पब्लिसिटी का नाम ही क्या आ रहा है भाई, टूर्नामेंट को पब्लिसाइज करना, लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाना, जनता तक बताना, ताकि लोग देखने के लिए आए, ताकि फंडिंग हो, पैसा इकट्ठा हो, टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो। आईपीएल का ऐड आता है ना फुल टीवी पे, फुल ऐड आता है, वो किसका काम होता है, पब्लिसिटी कमेटी का। तो पब्लिसिटी कमेटी क्यों बनाई जाती है, टू स्प्रेड इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट कौन सी आती है, नंबर टू हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन कमेटी। ट्रांसपोर्टेशन कमेटी का क्या काम होता है, नाम में ही है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जितने भी प्लेयर्स आएंगे, जितने भी अंपायर्स आएंगे, जितने भी रेफरीज आएंगे, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स आएंगे, उन सबका ट्रांसपोर्टेशन, वो कैसे स्टेडियम्स तक आएंगे, कैसे अपने होटल तक जाएंगे, अगर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल टूर्नामेंट हो रहा है तो किस तरीके से सारा ट्रांसपोर्टेशन मैनेज होगा, वो सब इस कमेटी का काम होता है। अगला आता है बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से कर लेना। बोर्डिंग एंड लॉजिंग कमेटी का काम क्या होता है, पहली बात अकोमोडेशन, यानी कहाँ पे प्लेयर्स स्टे करेंगे, उनके मील्स, कितना फूड उनको, कौन कौन सा मील देना है, कब देना है, कितना देना है, किसको कौन सा वाला देना है, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो इस कमेटी को मैनेज करनी होती है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग, अकोमोडेशन एंड मील्स इनका मेन काम होता है। डेकोरेशन एंड सेरेमनी कमेटी, फोर्थ आता है डेकोरेशन, जो स्टेडियम्स को डेकोरेट करेगा मेन सेरेमनीज के लिए, चाहे वो प्री मैच सेरेमनी हो, चाहे वो पोस्ट मैच सेरेमनी हो, मैच से पहले भी सेरेमनीज होती हैं और मैच के बाद भी सेरेमनीज होती हैं, तो उन सभी को अरेंज करने के लिए, डेकोरेट करने के लिए ये कमेटी होती है। उसके बाद ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट कमेटी, इस कमेटी का काम होता है ग्राउंड्स को प्रिपेयर्ड रखना और इक्विपमेंट्स को साथ में ही रेडी रखना, यानी कि प्रिपेयरिंग ग्राउंड्स, ट्रैक्स बने रहे, ग्राउंड्स बने रहे और सारे इक्विपमेंट्स अरेंज्ड हो सारे प्लेयर्स के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले ये पांच कमिटीज आ गई, जल्दी से देख लो फटाफट कौन कौन सी, पब्लिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, बोर्डिंग लॉजिंग, डेकोरेशन, ग्राउंड्स एंड इक्विपमेंट्स। इसके बाद अगर आगे चले तो कुछ कमिटीज और हैं हमारे पास, कौन कौन सी हैं। सबसे पहली कमिटी आती है इंपॉर्टेंट वन, फर्स्ट एड कमिटी। फर्स्ट एड कमिटी क्या है कि आप लोगों के लिए फर्स्ट एड प्लेयर्स के लिए और किसी को डॉक्टर की नीड होती है, इनका जो हेड होता है वो भी एक डॉक्टर होता है, वो भी सीनियर। दिस कमिटी इज हेडेड बाय अ सीनियर डॉक्टर। तो इस कमिटी का काम बेसिकली सारा हेल्थ का ध्यान रखना है, कोई प्लेयर इंजर्ड हो रहा है तो उसके लिए क्या फर्स्ट एड चाहिए, वो सब इनका काम होता है। कमिटी फॉर रिफ्रेशमेंट एंड एंटरटेनमेंट, रिफ्रेशमेंट एंटरटेनमेंट तो आप समझते ही हो, जितनी भी सेरेमनीज होती हैं प्री एंड पोस्ट या फिर इन बिटवीन, प्लेयर्स के लिए भी अगर किसी एंटरटेनमेंट में उनको कोई चीज चाहिए तो उनका भी सारा का सारा टेक केयर करना किसका काम है, इस कमिटी का काम है।
उसके बाद रिसेप्शन कमिटी। रिसेप्शन कमिटी का काम क्या है? बेसिकली चीफ गेस्ट का वेलकम करना, ऑफिशियल्स का वेलकम करना, ये रिसेप्शन का ध्यान रखना, ये सब इस रिसेप्शन कमिटी का काम होता है। देन फाइनेंस कमिटी, अनदर वन इम्पॉर्टेंट, सारे के सारे टूर्नामेंट की फंडिंग कितनी हो रही है, कहाँ से हो रही है, कैसा पैसा कहाँ लग रहा है, ये सब फाइनेंस कमेटी का काम होता है। रिपोर्ट्स बनाना, बजट प्रिपेयर करना, सब फाइनेंस कमेटी का काम होता है। फिर कमिटी ऑन एंट्रीज एंड प्रोग्राम्स, कितनी टीम्स की एंट्रीज हो रही है, एंट्री फीस आ गई या नहीं आ गई, किसका ड्यू है, कितने प्लेयर्स की टीम्स आई हैं, उन सब की एंट्रीज करना, कौन कौन से सिटी से, कौन कौन से लेवल से, कौन सी टीम आ रही है, वो सब एंट्री कमेटी का काम होता है। सारे एंट्री फॉर्म भेजना, जानकारी पहुंचाना, ये सब इनका काम होता है। इसके बाद आती है कमिटी फॉर ऑफिशियल्स, जितने भी हमारे ऑफिशियल्स होते हैं, बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं जो हमारे टूर्नामेंट में हमने इनवाइट करने हैं, या फिर हम लोगों ने एज अ मेन ऑफिशियल्स उनको रखना है, हमारे जजेस हो गए, ये सारी चीज़ें, ये सब किसके लिए है? ऑफिशियल्स। और इनको मैनेज करने के लिए जो कमिटी बनाई जाती है वो है कमिटी फॉर ऑफिशियल्स। और एट लास्ट क्या होता है? अनाउंसमेंट कमिटी। अनाउंसमेंट कमिटी जिसका काम सारे अनाउंसमेंट्स करना होता है, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो। तो जितने भी अनाउंसमेंट्स हैं वो सभी अनाउंसमेंट्स हमारी अनाउंसमेंट कमेटी करती है। तो ये थी हमारे पास टाइप्स ऑफ कमिटीज़। अगर एक ही जगह करनी है तो इस तरीके से आपका एक चार्ट प्रिपेयर हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। सबसे पहले जनरल कमिटी हेडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टर, उसके बाद एग्जीक्यूटिव कमिटी, उसके बाद ये छोटी छोटी हमारे पास काफ़ी सारी कमिटीज़ आ जाती हैं। इसके बाद आगे चले तो कमिटीज़ के कौन कौन से हमारी एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो हमें देखनी है। तो हमारी जो कमिटीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तीन पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो है प्री मैच, मैच से पहले, ड्यूरिंग मैच, अगर मैच चल रहा है तब, और एक होता है पोस्ट मैच, मैच के बाद। तो इसको ना आप एक तरीके से एज अ क्रिकेट मैच या एज अ फुटबॉल मैच लेके चलोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। तो मैंने 5-5 पॉइंट्स लिखे हैं, ऑल दो और भी पॉइंट्स हैं, तो आप कोई भी 4-6 पॉइंट्स याद रख सकते हो। देखो, प्री मैच रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? सबसे पहले बजट बनाना कि टूर्नामेंट का क्या बजट होने वाला है। ये हमने अभी पीछे कमिटीज में बताया ना, बजट प्रिपेयर करना सारा का सारा फाइनेंस में आ जाता है। तो बजट बनाना मैच से पहले, टूर्नामेंट से पहले बनाए जाएंगे। उसके बाद टू प्रिपेयर शेड्यूल, शेड्यूल बनाना, कौन से मैच कहाँ पे होगा, कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, कौन सी टीम कब किससे फाइट कर रही है, ये सारी चीजें हमारी प्री मैच होता है या प्री टूर्नामेंट होता है। उसके बाद टू फॉर्म वेरियस कमिटीज, छोटी छोटी अलग अलग कमिटीज बनाना। तो हमारी जो जनरल कमिटी है उसका काम है छोटी छोटी अलग अलग कमिटीज बनाना पहले ही। फर्स्ट एड के लिए अलग हो गया, आपका फाइनेंस के लिए अलग हो गया, ऑफिशियल्स के लिए अलग हो गया, ये सब कमिटीज बनाना भी पहले का ही काम है। टू अरेंज प्राइजेस एंड सर्टिफिकेट्स, प्राइज वगैरह, प्राइज मनी डिसाइड करके चलना, सर्टिफिकेट्स पहले से अरेंज करके चलना, क्या क्या देने हैं आप लोगों ने प्राइजेस, वो अरेंज करके चलना, ये सब भी पहले से होता है। टू सेंड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस टीम्स अबाउट डेट्स, वेन्यूज एटसेट्रा, अलग अलग टीम्स को जो अलग अलग स्टेट से आ रही हैं, अलग अलग सिटीज से आ रही हैं, उन सब तक जानकारी पहुंचाना, उनकी एंट्रीज लेना, ये भी प्री मैच हमारे पास या प्री टूर्नामेंट हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ जाएगा। इसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास? ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, जब टूर्नामेंट चल रहा है, मैचेस चल रहे हैं, फिर कमिटीज की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, टू इंश्योर प्रॉपर अरेंजमेंट ड्यूरिंग इनॉग्रेशन। जब भी टूर्नामेंट शुरू हो रहा है तो इनॉग्रेशन तो होगा, स्टार्टिंग तो होगी, तो जितनी अच्छी स्टार्टिंग होती है उतना टूर्नामेंट हिट जाता है। तो इनॉग्रेशन बढ़िया विद अ ब्लास्ट, विद अ बैंग होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए। तो इसका प्रॉपर अरेंजमेंट करना भी कमिटीज का काम होता है। टू प्रिपेयर प्रॉपर स्कोर शीट, अच्छी स्कोर शीट बने जिसपे हर प्लेयर का, हर टीम का इंडिविजुअल स्कोरिंग हो अच्छे से। उसके बाद अरेंजमेंट फॉर रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट होना चाहिए प्रॉपर ड्यूरिंग मैच। टू इम्पार्ट फर्स्ट एड, अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है, कोई ऑफिशियल, कोई रेफरी, कोई अंपायर इंजर्ड हो जाता है, तो उसके लिए भी फर्स्ट एड होना चाहिए। एंड टू मेंटेन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मेंटेन रहना चाहिए, किसी भी तरीके का कोई भी किसी भी मैच के बीच में डिस्टर्बेंस ना क्रिएट हो, डिसिप्लिन बना रहे। इसके बाद हमारे पास पोस्ट मैच, मैच के बाद क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, तो वो आ जाता है टू गिव प्राइजेस, मैच खत्म होगा तो प्राइज देना, सर्टिफिकेट्स देना, ये जो यहाँ पे अरेंज करे थे। इसके बाद मोमेंटोज देना चीफ गेस्ट को, जितने भी चीफ गेस्ट हैं उनको भी ऑनर करना, उनके लिए भी अलग अलग मोमेंटोज मंगवाना। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी रिफंड्स, जितनी भी टीम्स जिनसे सिक्योरिटी ली गई थी। देखो क्या होता है, अगर हमारे होटल में कोई टीम रुक रही है, अब अगर वो टीम होटल में किसी पर्टिकुलर इक्विपमेंट को नुकसान पहुंचाएगी तो कोई टूर्नामेंट अरेंज कराने वाले ऑर्गेनाइजर्स थोड़ा ना पैसा भरेंगे वो, तो टीम से ही सिक्योरिटी रखवाई जाती है कि अगर कुछ नुकसान होगा तो इस सिक्योरिटी में से काट लेंगे, कुछ नहीं हुआ सब ठीक ठाक हुआ तो वो रिफंड करना होता है पैसा, तो सिक्योरिटी रिफंड्स वापस करना।
टू मेक पेमेंट्स टू ऑफिशियल्स, जितने भी अंपायर्स रेफरीज हैं उनका पेमेंट्स करना, एंड एट लास्ट टू प्रिपेयर रिपोर्ट्स, एक लास्ट में फीडबैक या इसको बोलते हैं समरी रिपोर्ट्स बनाना, ताकि हमारा खर्चा कितना आया, टूर्नामेंट किस हिसाब से चला, और इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे हम फर्दर टूर्नामेंट्स कराते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी प्री, ड्यूरिंग और पोस्ट मैच, जिसका ध्यान रखना पड़ता है वेरियस कमिटीज को। स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो। तो ये हमारा चैप्टर वन का काफी पोर्शन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। गाइज हम लोग शुरू करेंगे विद द मीनिंग ऑफ टूर्नामेंट। टूर्नामेंट का मतलब क्या है? देखो, टूर्नामेंट रेफर्स टू कम्पीटिंग इन अ फिजिकल एक्टिविटी। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जब टीम्स कम्पीट करनी है, कर रही है, अकॉर्डिंग टू द सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो रूल्स और रेगुलेशंस बने हुए हैं, ऑर्गेनाइज एट वेरियस लेवल्स, और वो टूर्नामेंट्स या वो प्रोग्राम्स या वो गेम्स अलग अलग लेवल्स पे ऑर्गेनाइज करे जाते हैं। तो टूर्नामेंट बेसिकली होता क्या है, जब अलग अलग टीम्स कम्पीट करती हैं अलग अलग लेवल्स पे एज पर प्रेस्क्राइब्ड सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। टूर्नामेंट क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं टूर्नामेंट के? सबसे पहला होता है डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्किल्स। जब भी एक प्लेयर एक टूर्नामेंट में गेम खेलता है तो उसकी स्पोर्ट्स स्किल्स डेवलप हो जाती हैं। स्पोर्ट्स स्किल्स का मतलब कि खेलते खेलते वो डे बाई डे बेटर होता है, और गेम्स के टवर्ड्स जो उसमें एक ऑब्वियसली पैशन है गेम्स का, उन्हीं गेम्स की स्किल्स काफ़ी ज़्यादा डेवलप होती हैं, जो कि अच्छी होती हैं उसके लिए भी एज वेल एज नेशन के लिए भी, क्योंकि नेशन को अच्छे प्लेयर्स मिलते हैं। नंबर टू, प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स। जब भी आप टूर्नामेंट करते हो तो प्रोपेगेंडा ऑफ स्पोर्ट्स हो जाता है। प्रोपेगेंडा यहाँ पे आप लोग बोल सकते हो पब्लिसिटी। टूर्नामेंट से गेम्स का नाम बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जैसे वर्ल्ड कप होता है, तो टीवी में देखते हो कितने ऐड आते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप है, 2020 वर्ल्ड कप है, IPL है, तो प्रोपेगेंडा रहता है, मतलब पब्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। हेल्पफुल इन सेलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। इन टूर्नामेंट्स की वजह से सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स काफ़ी ईजी हो जाता है। जैसे IPL होता है, IPL में जो लोग अच्छा खेलते हैं उनके ऊपर हमारे जितने भी सिलेक्शन कमिटी है उनकी नज़र बनी रहती है, फिर उसको इंडिया टीम में खिलाते हैं। तो टूर्नामेंट्स हेल्प करते हैं इन सेलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स। इसके अलावा साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज, बहुत सारी सोशल क्वालिटीज आती हैं, जैसे कि डिसिप्लिन, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स, जैसे कि टीम वर्क। तो ये हमारे पास सारी क्वालिटीज़ वगैरह डेवलप हो जाती हैं जब प्लेयर्स टूर्नामेंट खेलते हैं। इसके बाद सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, काफ़ी ज़्यादा एन्जॉयमेंट का सोर्स है। जब टूर्नामेंट्स होंगे तो लोग आएंगे, एन्जॉय करेंगे, उनके पास एक अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, तो काफ़ी अच्छा एक एनवायरमेंट बनेगा और रिक्रिएशन का सोर्स माना जाता है। डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इंटीग्रेशन, यानी कि जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो अलग अलग नेशन से, अलग अलग स्टेट से आके प्लेयर्स एक साथ जुड़ते हैं, एक साथ खेलते हैं, तो इंटीग्रेटेड फील होता है, यूनिटी फील होती है। तो टूर्नामेंट्स का काम बेसिकली यूनाइट करना होता है, कंट्री में स्प्रेड करना होता है नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल इंटीग्रेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली टूर्नामेंट का मीनिंग और टूर्नामेंट के इंपॉर्टेंस आ जाते हैं जो आपको एग्जाम्स में लिख के आने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक नए टॉपिक की तरफ, जो कि है हमारे पास द टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट। काफी डिटेल टॉपिक है, ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, अगर मैं सिर्फ हेडिंग्स की बात करूं तो नॉकआउट टूर्नामेंट। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है? नॉकआउट टूर्नामेंट होता है कि एक टीम जैसे ही मैच हारेगी वो बाहर हो जाएगी, यानी कि मैच हारते ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाओगे। इसको बोलते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट, यानी किसी भी टीम को दूसरा चांस नहीं मिलता। फिर होता है लीग टूर्नामेंट। लीग को ही हम लोग राउंड रॉबिन टूर्नामेंट भी बोलते हैं और बर्जर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो आइडिया आया था लीग टूर्नामेंट का वो बर्जर के माइंड में आया था, तो इसको हम लोग बर्जर सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ईच टीम प्ले विद एवरी अदर टीम। मतलब नॉकआउट में तो आप बाहर हो गए थे ना, डिस्क्वालीफाई हो गए थे हारते ही, इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें आपको चांस मिलता है। तो देयर आर हाई चांसेस कि जो टीम डिजर्विंग है वो आगे जाएगी। इसमें कई बार ऐसा होता है कि डिजर्विंग टीम बाहर हो जाती है, क्योंकि डे भी तो खराब हो सकता है किसी का। नंबर तीन, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन होता है इन दोनों का मिक्सचर, कि जैसे जोनल लेवल पे होता है मेनली। ये कौन से लेवल पे होता है कॉम्बिनेशन? जोनल लेवल पे अलग अलग जोन्स बना दिए जाते हैं, और उन जोन्स में फिर कॉम्बिनेशन बना के कि पहला वाला राउंड हमने नॉकआउट करा दिया, अगला लीग करा दिया, या फिर पहला वाला लीग करा दिया, अगला वाला नॉकआउट करा दिया, मतलब इस तरीके से कॉम्बिनेशंस बने होते हैं। और लास्ट होता है कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट में क्या होता है? कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट में ऐसा होता है, जैसे कई बार, पहली बात तो ये ऑप्शनल होता है कि इसको कराना या नहीं कराना, टोटली जो कराने वाली बॉडी है ऑर्गेनाइजर्स के हाथ में होता है, हमेशा हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है कई बार नॉकआउट में ना अच्छी टीम बाहर हो जाती है, तो अब अच्छी टीम जो जीतनी चाहिए थी वो नहीं जीत रही है, तो उनको एक चांस और दिया जाता है थ्रू अ
कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट, यानी कि यहाँ पे जो विनर डिसाइड होता है वो हारी हुई टीम्स में से होता है। तो इस तरीके के टूर्नामेंट को हम क्या बोलते हैं? कॉन्सोलेशन टूर्नामेंट। अब डिटेल में चलते हैं कि नॉकआउट टूर्नामेंट क्या है। देखो, नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या लिखा हुआ है, टीम वंस डिफीटेड गेट्स एलिमिनेटेड, टीम जो हार गई वो एलिमिनेट हो जाएगी। अब नॉकआउट टूर्नामेंट चलता कैसे है, क्या तरीका होता है नॉकआउट टूर्नामेंट का? देखो, हम लोग बोलते हैं कि सपोज चार टीम्स हैं, ए बी सी और डी, तो सबसे पहले इन्हें दो पार्ट्स में बांट दिया जाएगा। दो पार्ट्स में बांट देंगे, ए और बी का आपस में मैच होगा, सी और डी का आपस में मैच होगा। दिस इज राउंड वन, ये फर्स्ट राउंड है, ठीक है। अब ए और बी में सपोज बी विनर आया और सी और डी में सी विनर आया। सी हमारा चिंटू है, ये हमारा बंटी और ये हमारा चिंटू। तो ए और बी में से बी विनर और सी और डी में से सी विनर। अल्टीमेटली फिर इन दोनों का मैच होगा और जो जीतेगा वो अल्टीमेट विनर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कौन सा टूर्नामेंट, नॉकआउट टूर्नामेंट। देखो, मौका ही नहीं मिला, ए बाहर हुआ तो खत्म, यहाँ से बी बाहर हुआ तो खत्म। तो इस तरीके के टूर्नामेंट को क्या बोलते हैं, नॉकआउट। क्या फायदा होता है इन टूर्नामेंट्स में? सबसे पहली बात, लेस एक्सपेंसिव, खर्चा कम आता है क्योंकि टीम एक ही बार खेलेगी और हार के बाहर। दूसरा, लेस टाइम, कम टाइम में खत्म हो जाता है क्योंकि सबको सबसे नहीं खेलना, एक एक टीम खेलती है मैच और बाहर होती रहती है। मिनिमम नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड, इसमें नंबर ऑफ ऑफिशियल्स काफ़ी कम चाहिए, मैनेजमेंट उनका करना आसान होगा। तो ये सब इसके एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेज क्या होते हैं इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ टूर्नामेंट के? कई बार अच्छी टीम एलिमिनेट हो जाती है और वीक टीम्स जीत सकती हैं और स्पेक्टेटर्स का इंटरेस्ट लूज हो जाएगा। अब देखो, वर्ल्ड कप जैसा टूर्नामेंट और इंडिया पहली बार हो जाए तो स्पेक्टेटर्स लास्ट तक देखेंगे ही नहीं, इंटरेस्ट लूज हो जाएगा, तो ये इसका ड्रॉबैक होता है। तो ये सब था हमारा नॉकआउट टूर्नामेंट के बारे में। अब चलते हैं हम लोग लीग के बारे में। लीग टूर्नामेंट कौन सा होता है? देखो, लीग टूर्नामेंट जो होता है ये हमारे पास दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक होता है सिंगल लीग टूर्नामेंट और एक होता है डबल लीग टूर्नामेंट। तो सिंगल लीग में क्या होता है, देखो लीग में क्या होता है ना, हर टीम हर दूसरी टीम से खेलेगी। यानी कि सपोज चार टीम्स हैं ए बी सी और डी, तो ए बी से भी खेलेगा, सी से भी खेलेगा, डी से भी खेलेगा, और बी भी ऐसे ही ए और बी से तो हो गया, सी से भी खेलेगा और डी से भी खेलेगा, सी ऐसे ही ए से बी से डी से, मतलब कि हर टीम हर दूसरी टीम से खेलेगी ही खेलेगी, ये बाहर नहीं जाती। अब अगर वो एक बार खेले वन टाइम तो वो होता है हमारा सिंगल लीग, और अगर वही टीम दो दो बार, यानी एक टीम के दो दो मैचेस हो रहे हैं, यानी ए का बी के साथ दो मैच, जैसे आईपीएल में तो तीन तीन चार चार बार होता है, तो वो होता है हमारे पास डबल लीग। तो हमारे पास मेनली यहाँ पे लीग में आपको दो तरीके की बताई गई है। एक है सिंगल लीग, यानी एक टीम दूसरी टीम से एक ही बार खेल रही है, खेलेगी सबसे, और अगर दो दो बार खेल रही है तो डबल लीग। अब सर, एक सवाल छोटे क्वेश्चन में आ जाता है कि नंबर ऑफ मैचेस कैसे कैलकुलेट होंगे, सिंगल लीग में कितने मैच हैं? लेट सपोज हमारे पास यहाँ फॉर्मूला है नंबर ऑफ मैचेस निकालने का, एन एन माइनस वन बाई टू, और एन रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टीम्स, यहाँ लिखा है मैंने एन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ टीम्स। लेट सपोज हमारे पास चार टीम्स आई, ए बी सी डी, यही वाली ए बी सी डी, चार टीम्स आई, तो कैसे कैलकुलेट होगा? एन मीन्स फोर, फोर माइनस वन अपॉन टू, यानी कि फोर इंटू थ्री ट्वेल्व अपॉन टू, इसका मतलब सिक्स मैच होंगे टोटल। टोटल कितने मैचेस होंगे? छह मैचेस होंगे। तो अगर सिंगल लीग के मैचेस निकालने हैं तो फॉर्मूला ध्यान रखना, एन एन माइनस वन अपॉन टू, और ये एन मीन्स द नंबर ऑफ टीम्स, और अगर एक टीम के दो दो मैचेस कराने तो ये टू हटा दो बस नीचे से, एन एन माइनस वन। ये हमारे पास डबल लीग के मैचेस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाता है, इंपॉर्टेंट है देख के जाना। अब लीग के क्या क्या एडवांटेजेस हो जाते हैं? बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वैसे तो, लेकिन मैंने बेस्ट तीन लिखे हैं। सबसे पहला, डिजर्विंग टीम गेट्स विक्ट्री, जो डिजर्व करती है वही टीम जीतती है, क्योंकि इतने मैच होने में ना तुक्का तो एक आधी बार लग सकता है, हर बार थोड़ी लगेगा, डिजर्विंग टीम जीतती है। मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज मिल जाती है टीम को, और प्लेयर्स को भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को प्रूव करने भी। अगर एक प्लेयर एक गेम में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाया तो नेक्स्ट में कर लेगा। तो इस तरीके से हमारे पास एडवांटेजेस हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं? ज़्यादा टाइम मिलता है इसके अंदर, एक्सपेंसिव होता है, और अरेंजमेंट्स भी ज़्यादा करने पड़ते हैं, क्योंकि देखो इतने सारे मैचेस होंगे तो समय भी लगेगा, एक्सपेंसिव भी ऑब्वियसली होगा, ऑफिशियल्स लाओ, अरेंजमेंट्स करो, और काफ़ी समय लगता है इसके अंदर। इसके बाद हमारे पास क्या आता है जी, इसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये आपने पढ़ लिया लीग टूर्नामेंट, नॉकआउट भी हो गया, लीग भी हो गया जी। अब आता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट मैंने आपको पहले ही बताया, कंबाइन करके बनाए जाते हैं और जोन्स में होते हैं, अलग अलग जोन्स में। देखो कैसे, जोनल बेसिस पे होते हैं और इसके चार तरीके होते हैं, चार तरीके के कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स हो सकते हैं। सबसे पहला होता है नॉकआउट कम नॉकआउट।
नॉकआउट कम, नॉकआउट का मतलब ये होता है कि हम लोगों ने सबसे पहले लेट सपोज एक वर्ल्ड कप है, सपोज चलो वर्ल्ड कप है या एक नेशनल लेवल का कंपटीशन ले लो, इंडिया लेवल का कंपटीशन है, तो हमने उसको चार जोन्स में बांट दिया, लेट सपोज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बांट दिया। देखो मैं इसको जोन ए को बोल देता हूँ, इसको बोलता हूँ मैं ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। हमने चार जोन्स बना दिए। अब टोटल नंबर ऑफ टीम्स है लेट सपोज 16, टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी है 16, तो चार पार्ट्स में बांट दो, चार जोन ए वाली, चार जोन बी वाली, चार जोन सी वाली और चार जोन डी वाली। हमें कौन सा टूर्नामेंट कराना है, हमें कराना है नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम नॉकआउट। तो इसमें क्या होगा, देखो सबसे पहले हमने मैच कराया जोन ए की टीमों का, वन टू का और थ्री और फोर का, लेट सपोज यहां से आपके पास विनर निकल के आ जाएगा नॉकआउट से, ठीक है, क्या निकल के आ गया आपके पास, फिर वन यहाँ से एक जीतेगा, उन दोनों का मैच करा देना तो यहाँ से आपको विनर मिल जाएगा, फिर इधर करा दिया इस जोन में, फिर यहाँ विनर मिल गया, फिर इधर करा दिया यहाँ विनर मिल गया, फिर इधर करा दिया यहाँ विनर मिल गया, आपको चारों जोन के विनर्स मिल गए। ये आ गया विनर ऑफ जोन ए, फिर आ गया विनर ऑफ जोन बी, फिर आ गया विनर ऑफ जोन सी और फिर आ गया विनर ऑफ जोन डी, तो चार हमारे पास विनर्स हो गए। अब क्या करना है, इनका नॉकआउट करा दो, ए और बी का मैच जो जीतेगा अल्टीमेटली फाइनल में, फिर सी और डी का मैच जो जीतेगा वो फाइनल में, फिर आपस में टकराएंगे, अल्टीमेट विनर निकल के आ जाएगा। ये होता है नॉकआउट कम नॉकआउट, पहले भी नॉकआउट जोनल वाले मैचेस में भी और फिर जब फाइनल हुए तो भी नॉकआउट, ये होता है नॉकआउट कम नॉकआउट। अब एक होता है लीग कम लीग, लीग कम लीग का मतलब समझ रहे हो, अब जोन्स में आपस में भी लीग और नीचे भी लीग, जब फाइनल्स में पहुंचेंगे तो भी लीग। देखो हमारे पास लेट सपोज टोटल नंबर ऑफ टीम्स है 4-4 टीम्स है ना एक में, तो अगर देखो एक टीम को एक बार लड़ना है, एक टीम एक बार लड़ेगी, तो देखो क्या बताया था फॉर्मूला नंबर ऑफ मैचेस का, चार टीम्स है ना, तो 4-4-1/2, 4×3 यानी कि 12/2 यानी कि 6 मैच होंगे। देखो पहले फर्स्ट वाला सेकंड से, फर्स्ट वाला थर्ड से, फर्स्ट वाला फोर्थ से, फिर सेकंड थर्ड से, सेकंड फोर्थ से, क्योंकि सेकंड वन से आ चुका है, फिर थर्ड और फोर्थ का, तो टोटल 6 मैचेस हो गए। ये हमारा लीग टूर्नामेंट के हिसाब से पहले जोन के मैचेस हो गए, यहां से एक विनर आ जाएगा, फिर सिमिलर जोन बी में, सिमिलर जोन सी में, सिमिलर जोन डी में, तो आपके पास चार विनर्स आ गए, एक जोन ए का, एक जोन बी का, एक जोन सी का, एक जोन डी का, फिर उनका लीग करा दो आपस में, ए बी सी डी के चार विनर्स हो गए, ए का बी से, ए का सी से, ए का डी से, फिर बी सी बी डी सी डी, अल्टीमेटली फाइनल विनर निकल आएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, लीग कम लीग। नॉकआउट कम नॉकआउट में नॉकआउट ही चल रहा है लास्ट तक, लीग कम लीग में लीग ही चलेगा। अब स्पेशल टाइप ऑफ केसेस पे आते हैं, आ जाओ जरा जल्दी से, यहां पे आ गया आपके पास नॉकआउट कम लीग, नॉकआउट कम लीग। इसका मतलब थोड़ा सा आपको अब यह समझना पड़ेगा, नॉकआउट कम लीग का मतलब होता है कि पहले जब जोनल होगा, जोनल तो करा देना नॉकआउट, जोनल कैसे करा देना, नॉकआउट करा देना, मतलब कि इस तरीके से, ये जो हुआ था यहां पे, ये हमारा जोनल नॉकआउट चल जाएगा, और जोनल नॉकआउट कराने के बाद फाइनल्स फिर कैसे करा देना, लीग फाइनल्स कैसे करा देना, लीग, यहां से जब चार विनर आ जाएंगे ना उनका फिर लीग करवा देना, ये हो जाता है नॉकआउट कम लीग। और इसका जस्ट अपोजिट होता है लीग कम नॉकआउट। जस्ट अपोजिट क्या होता है, लीग कम नॉकआउट, यानी पहले लीग कराओ, ये जो आपस में सभी के मैचेस होंगे, पहले लीग करा दिया जोनल में, जोनल के बाद फिर लास्ट में फाइनल विनर के लिए नॉकआउट करा दिया, जब आपको यहां से चार विनर्स मिल जाएंगे जोन ए जोन बी जोन सी जोन डी से, लीग करा के, लीग के बाद फिर नॉकआउट करा दो, ये होता है लीग कम नॉकआउट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। और कितने प्रकार के हैं ये, चार प्रकार के, नॉकआउट कम नॉकआउट, ऊपर भी नॉकआउट नीचे भी, लीग कम लीग, दोनों जगह लीग, पहले नॉकआउट फिर लीग, पहले लीग फिर नॉकआउट। तो ये हो जाते हैं हमारे पास चार तरीके कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स। और कॉन्सोलेशन मैंने आपको बता ही दिया, टोटली अप टू द ऑर्गेनाइजर्स कराना है नहीं कराना, क्योंकि यहाँ पे जो टीमें बाहर हो जाती हैं उनमें से फाइनल डिसाइड करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट्स होते हैं, अगर सबको एक जगह लाने की कोशिश करूँ तो काफ़ी छोटा हो जाएगा, पता नहीं दिखेगा या नहीं दिखेगा, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, वैसे आपकी बुक्स में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मार्क करके चल सकते हो। तो गाइज अब हम सीखने वाले हैं कि हाउ टू ड्रॉ फिक्स्चर्स। देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है ये,
फिक्स्चर्स का मतलब क्या होता है कि बेसिकली टोटल कितने मैचेस होने वाले हैं, किस तरीके से होने वाले हैं, किस तरीके से किसी भी टूर्नामेंट में कितने राउंड्स होंगे, कितनी टीम्स खेलेंगी, एक राउंड में कितनी टीम्स होंगी। अब देखो वर्ल्ड कप होता है, वर्ल्ड कप में इतनी सारी टीमें आती हैं, तो कितने राउंड्स होंगे, कौन सी टीम किससे खेलेगी, ये सब डिसाइड करना होता है फिक्स्चर्स में। अब सबसे पहले आप ये देखो कि टूर्नामेंट कौन से टाइप का है, क्या टूर्नामेंट एक नॉकआउट टूर्नामेंट है या वो एक लीग टूर्नामेंट है। अगर मैं बात करूं नॉकआउट टूर्नामेंट की, तो इसमें होता है कि किसी भी टीम को दोबारा मौका नहीं मिलेगा, एक मैच खेला बाहर हो गए तो आउट, हारते ही बाहर। लीग में क्या होता है, दूसरा चांस भी मिलता है। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि नॉकआउट में किस तरीके से मैचेस यानी फिक्स्चर्स डिसाइड करे जाते हैं, कैसे प्रॉपर मैचेस का अरेंजमेंट करा जाता है। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपको ये देखना है कि जो नंबर ऑफ टीम्स हैं वो इवन नंबर है या ऑड नंबर है। अगर इवन नंबर होता है तो बहुत ही सिंपल हो जाता है, उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं आती। जैसे कि सपोज आप ये मान के चलो कि आपके पास नंबर ऑफ टीम्स 8 आई हैं, ठीक है, इवन नंबर है 8, तो नंबर ऑफ टीम्स अगर 8 है तो ये काफी आसान है। आपने रखा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। अब आपको इन्हें बिल्कुल दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अगर 10 होंगी तो 5-5 डिवाइड हो जाएंगी, 6 होंगी तो 3-3, 4 होंगी तो 2-2, कितना सिंपल, बस डिवीजन कर दो। अब देखो आपने ये डिवीजन कर दिया, सपोज ये डिवीजन हो गया, अब आपको क्या करना है, बस सिंपली आपको याद रखना है कि इनका आपस में मैच हो गया। सबसे पहले राउंड 1 में इनका आपस में हो गया, इनका आपस में हो गया, इनका आपस में हो गया, ठीक है। इसमें से जो भी विनर होगा और इसमें से जो भी विनर होगा वो आपस में भिड़ेंगे। राउंड 2 में इसका जो विनर होगा वो इसके विनर से राउंड 2 में, उसके बाद राउंड 3 में यहां से और यहां से जो भी विनर होंगे, देन वी विल गेट द फाइनल विनर। तो तीन राउंड्स में इवन टीम्स के बहुत सिंपली फिक्स्चर्स ड्रॉ हो जाते हैं। अगर टीम्स ऑड होती हैं तो हमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ऑड में क्या क्या चीजें होंगी, देखो आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है, राइट। देखो सबसे पहले होता है टोटल टीम्स, जितनी भी टोटल टीम्स हैं उनको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। मैं अपने वाले एग्जांपल में, मुझे ओड मान के चलना है तो मैं लेके चल लेता हूँ 13 ले लेते हैं, बड़ा समझ जाएगा। टोटल 13 नंबर ऑफ टीम्स आ रही हैं सपोज, तो एन किसको बोलूंगा, 13। अब कितनी टीम अपर हाफ में होंगी, कितनी टीम लोअर हाफ में होंगी, अगर 12 होती तो 6-6 हो जाती, आसान हो गया था। लेकिन अब याद रखो एन प्लस 1/2 यानी 13 + 1 14/2, 7 ऊपर आ जाएंगी, और 13 - 1 12/2, 6 नीचे आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर तुम लोगों को ओरली भी करना हो, सपोज 13 है, 13 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 6.5 आता है ना, 6.5 से बड़ा वाला 7 पहले हाफ में रख लो, बाकी बची भी सेकंड हाफ में रख लो, माइंड में सेट रखना, ठीक है। बट फॉर्मूला अगर एमसीक्यू है आ जाए तो। अब होता है टोटल नंबर ऑफ बाइज, बाइज क्या होता है यार, देखो ये इंपॉर्टेंट है। सपोज फॉर एग्जाम्पल 13 टीम्स हैं, है ना, मैंने यहाँ पे लिख दिया सपोज 13 टीम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब आपने बोला पहले हाफ में, अपर हाफ में 7 टीम्स होंगी, लोअर हाफ में 6 टीम्स होंगी, राइट। अब क्या होता है कि ये दोनों आपस में भिड़ गए, ये दोनों आपस में, ये अकेला रह गया, फिर ये आपस में, अब इस बेचारे का क्या होगा, है ना। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, हम लोग इसमें बाइस देते हैं। बाइस का मतलब ऐसा, अकेला हम किसी को नहीं छोड़ते हैं, हम लोग पेयर्स में लेके चलते हैं। तो अगर कोई अकेला रह जाता है उसको बाय देते हैं, बाय यानी कि आपको सीधा डायरेक्टली अगले राउंड में प्रमोट कर दिया जाता है। उसका राउंड 1 में कोई मैच नहीं होगा, उसका मैच होगा राउंड 2 में, अगले वाले राउंड में, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि किसी को भी दे दो, और ना ही ऐसे ऑर्डर में चलता। तो निकालने का एक तरीका है, वो भी हम अभी सीखने वाले हैं। तो ये सब मैं वैसे ही तुम्हें बता रहा था। बायस का मतलब क्या होता है, बेसिकली नेक्स्ट राउंड में उसको लेके जाना, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर 13 टीम्स की टूर्नामेंट में, नॉकआउट टूर्नामेंट है, बाहर होगी टीम हारते ही, तो कितने नंबर ऑफ बायस होंगे उसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 to the power n - n। n का मतलब ये नंबर ऑफ टीम्स, तो नंबर ऑफ टीम्स तो 13 है। अब 2 to the power n में क्या करना है आपको, आपको 2 की पावर लिख के चलनी है। सपोज 2 to the power 1, सबसे पहले तो 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 to the power 4, 2 to the power 5, ऐसा लिखते चलो, ढूंढो क्या ये एज इट इज 13 मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा तो उससे बड़ा वाला, ठीक है। ढूंढो जरा 2 to the power 1 2, 2 to the power 2 4, 2 to the power 3 8, 2 to the power 4 is 16। मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे करना है 2 to the power 2 मतलब 2 into 2, पता है ना, 2 to the power 3 ये, 2 to the power 4 ये, 2 to the power 4 ये, ठीक है। तो अब देखो मुझे 13 था, या तो 13 या उससे बड़ा, उससे बड़ा कौन सा नंबर है, 16 आ गया। 2 की पावर 4 16 होता है, 2 की पावर 4 16 आ गया, तो यहाँ पे आप 16 रख दो। 16 - 13 इसका मतलब 3 बायस देने पड़ेंगे आपको,
कितने 22 देने पड़ेंगे, 3, यानी कि आपको इन टोटल 13 टीमों में से 3 टीमों को अगले राउंड में भेजना पड़ेगा। अच्छा जी, ठीक है। इसके बाद नंबर ऑफ बाइज इन अपर हाफ, कितने अपर हाफ में बाइज आएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ बाइज कितनी है, 3 3 माइनस 1 3 माइनस 1 यानी 2 2 अपॉन 2 एक, एंड 3 प्लस 1 4 अपॉन 2 2 नीचे वाले में आ जाएंगे। ठीक है, एनबी का मतलब नंबर ऑफ बाइज, ये आए थे नंबर ऑफ बाइज, तो टोटल नंबर ऑफ बाइस माइनस 1 अपॉन 2 टोटल नंबर ऑफ बाइस प्लस 1 अपॉन 2 लोअर हाफ में और अपर हाफ में। ठीक है, अब याद रखो इसमें नीचे 2 बाइस देने हैं, किन्हीं 2 टीमों को और इसमें 1 टीम को मिलेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, एन माइनस 1, एन का मतलब नंबर ऑफ टीम्स कितनी है जी, 13 टीमें हैं, तो 13 माइनस 1 12 मैच होंगे। नंबर ऑफ राउंड्स कितने राउंड्स होंगे जी, 2 टू द पावर n में, ये n की क्या वैल्यू थी, 2 टू द पावर n में n कौन से नंबर पे था, 2 टू द पावर n में, ये 2 टू द पावर n में n का वैल्यू 4 था या नहीं था, तो कितने राउंड्स होंगे टोटल, 4 राउंड्स होंगे। ठीक है जी, 4 राउंड्स होंगे, तो राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 और राउंड 4 टोटल 4 राउंड्स होंगे, हमें यह भी पता चल गया। ठीक है, अब क्या करूं जी, अब सबसे पहले एक काम करना, माइंड में सेट रखो 22 दे देने। ठीक है, 22 कैसे देने होते हैं, नून, कैसे, नून, नून का मतलब है नीचे ऊपर ऊपर नीचे। ठीक है सर, ये क्या बता रहे हो, अरे टेक्निक है, सबसे पहले नीचे, सबसे नीचे लो जी बाय 1, ऊपर बाय 2, नीचे ऊपर फिर इसमें ऊपर ऊपर और नीचे अगर चौथा देना हो, ऐसा समझ लो, चलना ऐसे ही है, नीचे यानी सेकंड में सबसे नीचे वाला, ऊपर अपर हाफ में सबसे ऊपर वाला, फिर ऊपर यानी इसमें सबसे ऊपर वाला, फिर नीचे। ठीक है, सपोज 5 बाइज होते तो फिर मैं कहां चलता, नीचे ऊपर ऊपर और नीचे, इस तरीके से, समझे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, तो जितने भी बाइज हैं टोटल मैं दोबारा से दे देता हूं, फिलहाल हमें कितने 22 देने थे, हमें 3 बाइज देने थे। ठीक है, कितने 22 देने थे, नंबर ऑफ बाइज हमने निकाले थे 3, तो नीचे इसको मिल जाएगा, नीचे ऊपर ऊपर, चौथा होता तो यहां नीचे होता, ठीक है ना, इस तरीके से चलना है। तो ये आपके 22 आ गए, ठीक है सर, 3 बाइज दे दिए। अब देखो काम शुरू हो जाएगा, 22 का मतलब हो गया कि ये वाली टीम तो गई राउंड 2 में, यहां आ गई जी, ये भी राउंड 2 में आ गई और ये भी राउंड 2 में आ गई, करेक्ट हो गया। बाकियों के मैच कराओ राउंड 1 में, सेकंड का मैच होगा 3rd से, 4th का 5th से, 6th का 7th से, देखो हो गया ना मैचेस। अब राउंड 1 में इनके मैच हो गए आपस में और इनके मैच हो गए, ठीक है। सपोज सेकंड और थर्ड में से जो भी जीतेगा, एक जीत गया उसका मैच अब इससे होगा जो पहले से गया हुआ है, इन दोनों में से एक एक जो जीतेंगे इनके आपस में मैचेस हो जाएंगे राउंड 2 में, करेक्ट हो गया। इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसका इससे मैच होगा, इन दोनों में से जो भी जीतेगा उसका इससे मैच होगा, देखो बन गए ना प्रॉपर फिक्स्चर्स, और अब हो गया आसान। अब क्या करना है, इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो आ गया जी इधर, लो सर, इन दोनों में से जो भी जीतेगा वो आ गया जी इधर, ठीक है। इसके बाद बस सिंपल, इन दोनों में से ये हमारा फाइनल और अल्टीमेटली हमें इसमें से विनर मिल जाएगा, देखा। तो इस तरीके से फिक्स्चर्स ड्रॉ करे जाते हैं, अगर टीम्स कैसी हो, ऑड हो, अगर इवन है तो इवन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इवन में तो सिंपली आपको काम कर लेना है, बट कई बार इवन में भी आपको 22 देने पड़ जाते हैं, ठीक है, तो 22 उसमें भी आपके काम आएंगे, तो आपको याद रखने हैं फॉर्मूलाज वगैरह, ये ध्यान से करके चलना, और ये जो मैंने फिक्स्चर्स बनाए हैं इनको एक बार बना के देखना अच्छे से, तब आपको बनाने आएंगे, मजा तभी आएगा। दोबारा से देख लो अगर एक बार फटाफट क्विकली देखना है, तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स 13 थी, अपर हाफ में कितनी 7, लोअर हाफ में 6 आ गया, फिर ये टोटल नंबर ऑफ 22 याद रखना, 2 टू द पावर n माइनस n, n ये 13 आ गया, 2 की पावर निकालो या तो सेम हो या उससे बड़ा हो, ठीक है, अगर सेम हो गया फिर तो 0 कोई 22 देने ही नहीं है ना, सपोज इवन होती 8 तो 8 में तो कोई 22 देने ही नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे ली थी, कितनी टीम्स ली थी यहाँ पे हमने 8 टीम्स ली थी, तो देखो 22 की जरूरत ही नहीं थी, है ना, सपोज यहाँ पे 22 निकालता तो 2 टू द पावर n में 2 टू द पावर 3 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 यहाँ पे 0 बाइस थे, 22 की जरूरत ही नहीं थी, राइट। लेकिन अगर
फॉर एग्जाम्पल सपोज यहाँ पे ये छह टीमें होती, सपोज इवन में ही ये कितनी टीम्स होती, सिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो अपर हाफ में और लोअर हाफ में तीन तीन टीमें। अब आप कैसे मैच कराओगे, फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर बाईस की जरूरत पड़ेगी। तो बाईस में आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 to the power n minus n, n हो गया छह टीमें, 2 to the power n यानी कि फिर से 2 to the power 3 चलेगा, तो 8 minus 6 आपको दो बाईस देने पड़ेंगे। यहाँ पे बाईस कैसे देने, नीचे ऊपर ऊपर नीचे, तो नीचे ऊपर हो गए बाईस, ऊपर और नीचे ऐसे होना था। अब ये तो गया अगर सपोज राउंड वन, अच्छा ये 2 to the power 3 पे आया था, 2 to the power 3 तो नंबर ऑफ राउंड 3 हो जाएंगे, ये 2 to the power 3 पे आया था ना, तो नंबर ऑफ राउंड 3 हो जाएंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। ये गया सेकंड राउंड में डायरेक्टली, ये भी गया सेकंड राउंड में। अब पहले राउंड में इन दोनों के मैचेस, लो जी फिर इन दोनों में जो जीतेगा वो सेकंड राउंड में इनका इससे, फिर हमारा राउंड 3 में फाइनल और अल्टीमेटली हमें विनर मिल जाएगा। समझे, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायस। तो आपको बायस निकालने जरूर आने चाहिए। बायस कैसे निकालने, 2 to the power n minus capital N, ठीक हो गया। और वो जो n है, n इज द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स, ठीक है ना, वो जो n है, n इज द टोटल नंबर ऑफ राउंड्स। अच्छा जी, इसके बाद नंबर ऑफ बायस अपर हाफ में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ बायस -1/2 और +1/2, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मैचेस n-1 आपको पता ही है, और नंबर ऑफ राउंड्स हो जाते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिक्स्चर हमने ड्रॉ कर लिया, आप एक काम करना, 13 टीम्स हो गई, आप 11 टीम्स का फिक्स्चर ड्रॉ करके देखना, आसानी से बन जाना चाहिए। ये आपका एक छोटा सा मैंने होमवर्क दे दिया। अब आगे बढ़ते हैं और अब हम ड्रॉ करते हैं बेसिकली कि किस तरीके से लीग में कैसे फिक्स्चर्स ड्रॉ होंगे। चलिए जी, अब उसको देखते हैं। तो अगर लीग टूर्नामेंट होता है, लीग टूर्नामेंट में टीम डायरेक्टली बाहर नहीं होती है, आपस में और भी मैचेस खेले जाते हैं, तो फिक्स्चर्स कैसे ड्रॉ होंगे, तो लीग को ही रॉबिन राउंड टूर्नामेंट भी बोलते हैं। अब इसके तीन मेथड्स दिए गए हैं, साइक्लिक मेथड, स्टेयरकेस मेथड या टैबुलर मेथड, ठीक है। सबसे ज्यादा एग्जामिनेशन में जो पूछा जाता है वो साइक्लिक पे क्वेश्चंस बनते हैं, स्टेयरकेस सबसे आसान है और टैबुलर पे क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें तो टेबल ही बनाना होता है बस, और कुछ नहीं है। साइक्लिक की बात करें तो फिर से आपको ये देखना होगा कि नंबर ऑफ टीम्स ओड है या नंबर ऑफ टीम्स इवन है। इवन है तो अलग फॉर्मूला, ऑड है तो अलग फॉर्मूला। अब देखो फॉर्मूलाज अगर आप देखते हो तो नंबर ऑफ टीम्स को फिर से एन बोलना है अगर हम ऑड की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ मैचेस को कैसे निकालोगे, एन मल्टीप्लाइड बाय एन माइनस वन डिवाइड बाय टू, और नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, बस एन, जितनी टीम है उतने ही अगर ऑड है। सपोज तीन टीम्स हैं तो तीन ही राउंड होंगे, फाइव टीम्स हैं तो फाइव ही राउंड होंगे, ठीक है। लेकिन अगर टीम्स इवन हैं तो ये तो बिल्कुल सेम है, ये तो बिल्कुल सेम है ऊपर वाला ही फॉर्मूला, लेकिन नंबर ऑफ राउंड्स माइनस वन हो जाता है, ठीक है। चलिए फिक्स्चर्स बना के देखते हैं, फिक्स्चर्स बना के देखो आपको क्लैरिटी आएगी। इवन से शुरू करते हैं, मान के चलते हैं कि हमारे पास, अच्छा साइक्लिक मेथड है, साइक्लिक मेथड का मतलब साइकिल चलेगी पूरी, ठीक है, साइकिल चला के चलना। मान के चलो आप लोग कि चार टीम्स का बना ले, फोर टीम्स का बनाते हैं, लाइक सपोज द नंबर ऑफ टीम्स आर फोर, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 4 × 4 − 1/2, तो 4 × 3 = 12/2 यानी 6 मैचेस होंगे, और नंबर ऑफ राउंड्स कितने होंगे, 4 − 1 = 3 राउंड्स होंगे हमारे पास, ठीक है जी। अब कैसे बनाने हैं साइक्लिक में, तो देखो साइक्लिक में क्या करना है, सबसे पहले आप ये देख लो कि जितने भी नंबर ऑफ टीम्स हैं उसको आपको वही दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है सबसे पहले, तो दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, बहुत सिंपल। दो पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है कि सपोज आपके पास चार टीम्स हैं तो दो पार्ट्स में 4 / 2 दो दो हो जाएंगी, ठीक है। तो आपने लिखा सबसे पहले 1, 2, 3, 4, साइकिल चलानी है। अब देखो साइकिल अगर चलेगी तो ऐसे ही चलेगी ना, सर्कल ऐसे ही घूमता है, ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख देना 1, 2, 3, 4, अगर आप लेफ्टी हो तो आपकी साइकिल इधर चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जहां आपका मन करे वहां आप साइकिल चला सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसके अंदर। सपोज मैंने ये बोल दिया कि मेरे पास सबसे पहले 1, 2, 3, 4 मैंने ऐसे लिया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको एक टीम को फिक्स कर लेना है, हम लोग नॉर्मली फर्स्ट वाली टीम को फिक्स कर लेते हैं, इसको फिक्स करने के लिए इसको सर्कल कर दो, ये फिक्स्ड हो गया, ठीक है। अब आपका ये जो है, ये जो पहला वाला सेटअप बन गया, इसको आप राउंड नंबर वन बोल देते हो। कितने नंबर ऑफ राउंड्स होंगे देखना, तीन नंबर ऑफ राउंड्स होंगे, ये आप जस्टिफाई भी कर पाओगे, ठीक है। दूसरे में क्या करना है, दूसरे में ये टीमें जो हैं अपनी अपनी जगह बदलेंगी, साइकिल चलेगी पूरी, ठीक है। फर्स्ट तो फिक्स हो गया,
सही है, सेकंड पहुंच जाएगा थर्ड की जगह, यानी यहां, ठीक है। देखो सेकंड आ जाएगा थर्ड की जगह, यहां पे फिक्स नहीं करना ब्रो, थर्ड आ जाएगा फोर्थ की जगह यहां पे, फोर्थ आ जाएगा सेकंड की जगह यहां पे, ऐसे आ गया, हो गया। इसको बोल दिया राउंड नंबर सेकंड। राउंड नंबर थर्ड पे चलते हैं, राउंड नंबर थर्ड पे चलते हैं, तो फर्स्ट फिक्स है, अब फिर से आगे आगे चलेंगे, ठीक है। फोर आएगा सेकंड की जगह, फोर, सेकंड आएगा थर्ड की जगह, और थर्ड आ जाएगा फोर की जगह। लो देखो फिर से, ये हम ऐसे चले थे, फिर ऐसे चले थे, फिर ऐसे चले थे, फिर से ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले, फिर से ऐसे चले, ऐसे चले, ऐसे चले। ये कब तक चलेगा? जब तक आप ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ जाते। अब देखो, अगर आप अगला राउंड बनाओगे, अगर आप अगला राउंड बनाओगे राउंड फोर्थ, तो उस सिनेरियो में वन, अब थ्री आगे जाएगा, फोर आगे जाएगा, टू वापस यहाँ आ जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हो चुका है, तो ये तो नहीं बनेगा, ये तो नहीं बनेगा, तो ये तो खत्म। तो देखो क्या सभी के मैचेस हो गए, हो गए या नहीं हो गए? तो दैट इज वाई हमारे पास यहाँ पे तीन ही राउंड्स बनेंगे। देखो नंबर ऑफ राउंड्स आए कितने थे, n माइनस वन, फोर माइनस वन, यानी तीन ही राउंड्स आए थे। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होगा जी, ये दोनों टीम एक बार आपस में मैच होगा, इन दोनों का आपस में मैच होगा, इन दोनों का आपस में मैच होगा, इन दोनों का आपस में मैच होगा, फिर इसका इससे होगा, इसका इससे होगा, फिर ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट्स टेबल हम लोग एक विनर फाइनलाइज करते हैं, सेमीफाइनल क्वार्टर फाइनल फाइनल्स करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग फिक्स्चर्स बनाते हैं, किस बेसिस पे। अच्छा नंबर ऑफ मैचेस कितने हो गए, सिक्स। देखो एक दो तीन चार पाँच छः, सिक्स मैचेस हो गए और चार टीम्स थी हमारे पास। इस तरीके से बनता है फिक्स्चर ऑन द बेसिस ऑफ साइक्लिक मेथड व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स आर इवन। अब चलते हैं, अगर नंबर ऑफ टीम्स ऑड हैं तो कैसे बनेगा। इसमें क्या होमवर्क है, आप लोग सिक्स टीम्स का बना के देखना, सिक्स टीम्स में क्या करना है, मैं बेसिक चीजें बता रहा हूँ। अगर सिक्स टीम्स है तो नंबर ऑफ टीम सिक्स, कितने मैचेस होंगे, सिक्स, सिक्स माइनस वन डिवाइड बाय टू, यानी कि 6 इंटू फाइव 30 अपॉन टू 15 मैचेस होंगे, और जो नंबर ऑफ राउंड्स आएंगे वो 6 माइनस वन यानी 5, 5 राउंड्स आ जाएंगे, 15 मैचेस आ जाएंगे और आपकी 6 टीम्स हो गए। ये आप बना के देखना इसी तरीके से साइकिल घुमा के, ठीक है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना, एमसीक्यू है, आ सकता है। अब चलते हैं हम लोग किसके ऊपर, व्हेन द नंबर ऑफ टीम्स आर आउट। ऑड तो यार अब और भी आसान होता है, ऑड उससे भी सिंपल है। तो देखो ऑड में क्या है मेरे पास, सपोज नंबर ऑफ टीम्स हम ले लेते हैं, तीन टीम्स लेते हैं, थ्री टीम्स, तो अगर नंबर ऑफ टीम्स थ्री हैं तो बेसिकली नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, थ्री इंटू थ्री माइनस वन अपॉन टू, टू थ्री इंटू टू सिक्स बाई टू, तीन ही मैचेस होंगे, अरे वाह क्या बात है। और नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे, तीन ही राउंड बनेंगे, तो दिस इज वेरी सिंपल, ये कैलकुलेट करना आना चाहिए आपको जरूर। तीन हमारे पास टीम्स हैं जिसमें कि हमारे पास तीन मैचेस होंगे और तीन राउंड्स होंगे, ठीक है जी। तो राउंड वन की बात करता हूं मैं, राउंड वन, राउंड टू एंड राउंड थ्री, तीन राउंड होंगे ना, ठीक है। तो देखो अभी तक आप क्या कर रहे थे, आप कर रहे थे वन टू थ्री फोर, ऐसा कर रहे थे तो आपस में भिड़ रही थी, लेकिन इस बार तो तीन टीमें हैं तो अब तो गड़बड़ हो गई। तो अगर टीम तीन है तो फिर क्या मैं वन टू थ्री, फिर ये वन क्या करे, वन क्या खाली बैठे क्या, वन क्या करे। तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपली याद रखना है कि एक टीम को रेस्ट कराना पड़ेगा एक राउंड में, एक टीम को बाय देना पड़ेगा। तो आप क्या करो इस केस में, सबसे पहले बायस लिख लो, सबसे पहले आप बायस लिख लो, जैसा आपने लिखा सबसे पहले ये आ गई बायस, बाय लिख लो, चलो बाय टाटा, आप आराम करो। फिर वन टू थ्री, चल गई हमारी साइकिल फिर से, चल गई या नहीं चल गई, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट राउंड हो गया, अब इसमें आप बाय को फिक्स कर लो, इस बाय को फिक्स रखो, चलो अगली जगह फटाफट से जल्दी से एक एक प्लेस आगे बढ़ा दो, बाय फिक्स हो गए, वन आगे चला जाएगा, पहले पूरा मैं प्रॉपर बना लूं, यहां पहले वन था, वन यहां चला जाएगा, यहां टू था, टू यहां चला जाएगा, थ्री यहां से यहां आ जाएगा, थ्री यहां आ गया, ठीक है। अब फिर चल दो जी, बाय फिक्स कर दो, साइकिल चलाओ जल्दी से आगे की तरफ, पैडल बढ़ाओ, एक एक नंबर आगे, थ्री इधर, वन इधर, टू इधर, ठीक हो गया, एक एक पैडल आगे, चलो जी एक एक पैडल आगे, बाय फिक्स करो, एक दो तीन, चलो जी एक एक पैडल आगे, दो तीन एक, क्या ये ऑलरेडी हो चुका है, देखो ऑलरेडी हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो ये तो नहीं बनेगा। इसका मतलब टोटल तीन राउंड्स ही बनने हैं, कितने राउंड्स बनेंगे, थ्री राउंड्स ही बनेंगे। देखो क्या थ्री राउंड्स आए थे, यस थ्री राउंड्स आए थे हमारे पास, राइट। तो ओड वाले केस में ऐसा होता है,
अब क्या होगा जी, इस फर्स्ट राउंड में थर्ड वाली टीम का कोई मैच नहीं है, आप रेस्ट कीजिए, इनका आपस में मैच होगा वन और टू का, ठीक है। इस केस में सेकंड टीम रेस्ट करेगी, फर्स्ट और थर्ड का मैच हो जाएगा। इस केस में फर्स्ट टीम रेस्ट करेगी, सेकंड और थर्ड का मैच हो जाएगा। तो देखो सभी के एक दूसरे से मैच हो गए, फर्स्ट का थर्ड से भी हो गया, सेकंड से भी हो गया, सेकंड का फर्स्ट से भी हो गया, थर्ड से भी हो गया, थर्ड का फर्स्ट से भी हो गया और सेकंड से भी हो गया। तो सभी के आपस में मैच हो गया या नहीं हो गया, यही तो ब्यूटी होती है लीग टूर्नामेंट की। नॉकआउट में टीम बाहर हो जाती है, इसमें ऐसा नहीं होता। होमवर्क क्या बना के देखोगे प्रैक्टिस के लिए, एक बार बना के रख लेना फाइव टीम्स के लिए। फाइव टीम्स का हिंट दे दूं आपको, आ जाओ जरा जल्दी से फटाफट। फाइव टीम्स है तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 5 × 5 − 1/2, 5 × 4 = 20/2, 10 मैचेस होंगे। और राउंड्स कितने होंगे, 5 राउंड्स ही होंगे, बेसिकली 5 राउंड्स ही होंगे। बस बाय को फिक्स रखना, ठीक है। कैसा करोगे, एक बना देता हूं मैं। आपने बाय को फिक्स रख लिया, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा बन जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि इक्वली डिवाइड करना है ना, तो तीन तीन के पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, इस तरीके से हमारे पास बन जाएगा। फिर बस घुमाते रहना घुमाते रहना घुमाते रहना, कब तक, 5 राउंड्स तक। ये आपका होमवर्क रहेगा व्हेन टीम्स आर ऑड। तो हम लोगों ने साइक्लिक मेथड पूरा कर लिया, अब चलते हैं हम लोग स्टेयरकेस मेथड की तरफ। साइक्लिक तो डन है, दिस इज डन, अब चलते हैं स्टेयरकेस मेथड की तरफ। ये हटाता हूं मैं, क्वेश्चन लिखता हूं और फिर आपको सिखाता हूं स्टेयरकेस मेथड। तो अब आपको सिखाता हूं सबसे इजीएस्ट मेथड जो कि होता है स्टेयरकेस मेथड। स्टेयरकेस मेथड में भी हम लोग को ये देखना है सबसे पहले कि टीम्स, नंबर ऑफ टीम्स इवन है या ऑड है। बट द ब्यूटी ऑफ दिस मेथड इज इन्होंने कुछ भी अलग अलग नहीं करा, इन्होंने बोला कि ठीक है यार ज्यादा टेंशन नहीं, बच्चों को ज्यादा सिरदर्दी नहीं देनी, इवन जो फिक्सचर्स ड्रॉ करेंगे जो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स होंगे वहां ज्यादा टेंशन नहीं देनी, सबके लिए एक ही फॉर्मूला रखा। क्या फॉर्मूला है, देखो क्या आपने पहले पढ़ा हुआ है, टोटल नंबर ऑफ टीम्स को फिर से एन बोलना है, नंबर ऑफ मैचेस को एन, एन माइनस वन बाय टू बिल्कुल सेम, और नंबर ऑफ राउंड्स को एन माइनस वन। इसमें आपको एन लेने की जरूरत नहीं है, एन माइनस वन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सभी के लिए एन माइनस वन होता है, ठीक है। तो चाहे ऑड हो चाहे इवन हो, बिल्कुल सिमिलर उसी तरीके से बन जाएंगी, राइट। तो हम लोग दो बना के देखते हैं स्टेयरकेस मेथड से, एक बार बना के चलते हैं जब नंबर ऑफ टीम्स 5 है या 4 ले लो इवन से, और एक बार 5 से, ठीक है। नंबर ऑफ टीम्स हम लोग मान के चलते हैं एक बार 4 एक बार 5, ठीक है। अब अगर नंबर ऑफ टीम्स 4 है तो नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, 4 × 4 − 1/2, 5 है तो 5 × 5 − 1/2, तो 4 × 3 = 12/2, 6 मैचेस होंगे। 5 × 4 = 20, 5 × 4 = 20/2, 10 मैचेस होंगे। और नंबर ऑफ राउंड्स 4 − 1, 3 राउंड्स होंगे यहां पे, 3 राउंड्स, 6 मैचेस। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ मैचेस 5 − 1, 4 राउंड्स होंगे यहां पे, 4 राउंड्स, 10 मैचेस, 5 टीम्स, वेरी सिंपल। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले 4 जब टीम्स हैं तब बात करते हैं। आपको क्या करना है, 4 टीम्स हैं, आपको ये देखना है कि सबसे पहली टीम, फर्स्ट टीम, फर्स्ट टीम किस किस से मैच खेलेगी, फर्स्ट टीम सेकंड टीम से, फर्स्ट टीम थर्ड टीम से, फर्स्ट टीम फोर्थ टीम से, पहला काम खत्म, करेक्ट हो गया। फर्स्ट टीम किससे खेलेगी, सबसे पहले सेकंड से, फिर इस तरीके से चल गए हम लोग। फिर सेकंड टीम की बात करते हैं, सेकंड टीम फर्स्ट से, सेकंड टीम थर्ड से, सेकंड टीम फोर्थ से, बट ये तो हो चुका है, देखो ये हो गया ना सेम टू सेम, तो इसकी हमें नीड नहीं है, इसे हटा देते हैं, सही हो गया जी। फिर मैं आ जाता हूँ कौन सी टीम पे, थर्ड टीम पे, थर्ड टीम किस किस से, थर्ड टीम फर्स्ट से हो चुका है, ये रहा, थर्ड टीम सेकंड से भी हो चुका है, बस थर्ड टीम किस से खेलेगी, फोर्थ टीम से खेलेगी। तो देखो हमारे पास इस तरीके से ये स्टेयर्स हो गई तैयार, ये हो गया राउंड वन, ये हो गया राउंड सेकंड, ये हो गया राउंड थर्ड। देखो हर टीम एक दूसरे से खेल लिया या नहीं खेल लिया, कितने राउंड्स बने, 3 राउंड्स बने, 1, 2, 3, कितने नंबर ऑफ मैचेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मैचेस और 4 टीम्स, हो गया काम खत्म, ठीक है। इसको याद करने का एक टेक्निक और होता है, पहले 1 लिख लो, फिर 2 लिख लो, फिर 3 लिख लो, 2, 3, 4, 3, 4, 4, लेकिन ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हें मैं ज़्यादा टेक्निक नहीं बताता, पेपर है तुम्हारे, 2 दिन बाद कन्फ्यूज हो जाओगे। अच्छा 5 टीमों का बनाए, बिल्कुल सेम, सबसे पहले शुरुआत करो, पहली वाली टीम किससे खेलेगी, दूसरे से, फिर तीसरे से, फिर फोर्थ टीम से, फिर फिफ्थ टीम से, हो गया जी, पहला काम खत्म, पहली टीम का बना दिया। अब सेकंड का बनाओ, सेकंड पहले से खेल चुकी है तो सेकंड थर्ड से खेलेगी, सेकंड फोर्थ से खेलेगी, सेकंड फिफ्थ से खेलेगी, फिर थर्ड वाली सेकंड से ऑलरेडी खेल चुकी है तो फोर्थ से और फिफ्थ से, और फिर फोर्थ वाली फिफ्थ से, खत्म, बिल्कुल खत्म हो गया या नहीं हो गया, डन।
ठीक है, लो जी सीढ़ियां बना दो, लो जी सीढ़ियां तैयार है। राउंड वन, राउंड टू, राउंड थ्री, राउंड फोर, कितने राउंड्स बनने थे? चार राउंड्स हमने बना दिए। नंबर ऑफ मैचेस कितने होने थे सर? 10 मैचेस होने थे, काउंट कर लो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 मैचेस हो गए, बहुत सिंपल। और नंबर ऑफ टीम्स 5 थी, कितना आसान, वेरी वेरी सिंपल। तो इवन का भी बनाया, ऑड का भी बनाया, प्रैक्टिस करने के लिए करके देख लेना, 7 टीम्स का और 8 टीम्स का, दिस इज फॉर योर प्रैक्टिस, एक बार करके देखना कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो दिस इज इट गाइज, दिस इज इट, आपको मेजर यही चीजें याद रखनी है। ये आपके पास आ गया किसके अंदर? स्टेयरकेस मेथड के ऊपर। साइक्लिक मेथड में साइकिल मैंने आपको बता दी बनानी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। और टेबुलर मेथड में आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए आप सिर्फ एक रीडिंग लगा लो बुक में से, मीनिंग पढ़ लो, दैट इज इट। तो लीग में इस तरीके की चीजें थी। जब हमने बात करी नॉकआउट में, तो नॉकआउट में ये सारे फॉर्मूलाज थे, इसमें इवन और ऑड हम लोगों ने सारे के सारे फिक्स्चर्स देख लिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है समाप्त, हमारा पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसकी थियरी पोर्शन मैंने आपको बता दिया, टूर्नामेंट के टाइप्स बता दिए, सारी प्लानिंग बता दी क्यों करनी पड़ती है, और फिर हम लोगों ने फिक्स्चर्स जो कि सभी बच्चों को परेशान करता है ये भी हमने कवर अप कर लिया। तो दिस इज इट गाइज, मैंने आपको पांचों ही चैप्टर फॉर टर्म वन रिवाइज कराए हैं। प्लेलिस्ट पूरा प्रॉपर बना हुआ है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, और अगर आप चाहो तो प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो। अच्छे से रिविजन करो, सारे क्वेश्चंस देख लेना, जो भी बुक फॉलो करते हो, इंडिया में बहुत सारी बुक्स चलती हैं, उसके बैक में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। सीबीएसई का सैंपल पेपर जरूर करके जाना, और बिल्कुल परफेक्शन के साथ पेपर देके आना। ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन, थैंक यू सो मच।